हे गाइस, वेलकम टू अमेजिंग वर्क्स चैनल। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पोहे के लड्डू कैसे बनाते हैं। ये काफ़ी आसानी से बनते हैं और इसके लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं लगती है। तो देखते हैं आपको ये लड्डू बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए 2 कप पोहा, 1 कप व्हीट, 1/4 कप घी, 3/4 कप शुगर पाउडर और इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। तो मैंने यहाँ पे डालडा इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे घर पे देसी घी नहीं था। तो आई हैव यूज डालडा वयर वनस्पति। आप देसी घी में ये बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स दैट यू वुड रिक्वायर। 1/2 टीस्पून ऑफ इलायची का पाउडर, 1/4 कप घी, 2 कप्स ऑफ पोहा एंड 1 कप व्हीट फ्लावर। तो सबसे पहले हमको कढ़ाई गरम कर लेनी है। उसमें थोड़ा ऑलमोस्ट 1-2 चम्मच आप रखिए घी और बाकी का कढ़ाई में डालिए। फिर पोहा डालिए। अब ये पोहे को आपको अच्छी तरह से भूनना है ताकि मतलब एकदम वो क्रिस्प होना चाहिए, क्योंकि इसका हम पाउडर नहीं बनाएंगे, हाथ से ही क्रम्बल करेंगे और मतलब क्रश करेंगे हाथ से ही। सो इसे अच्छे से फ्राई कीजिए आप। तो ये लगभग हो चुका है। अब गैस, अब ये निकाल के आप साइड में रखिए पोहा और फिर से इसमें 1-2 चम्मच घी डालिए। जैसे घी मेल्ट होता है उसे गर्म होने दे थोड़ा। अब इसमें आपको डालना है गेहूं का आटा। इसे भी आप अच्छे से भून लीजिए जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इसे अच्छे से चलाते रहिए कंटिन्यूअसली। एक बात का ध्यान रखिए कि इसे आपको कंटिन्यूअसली चलाना है। तो ये अब बन चुका है रेडी। तो अभी हमें क्या करना है, सब एक बॉल में, सबसे पहले पोहे को हमको क्रश कर लेना है अपने हाथों से। अच्छे से इसे क्रश कीजिए, मिक्सी में मत डालिए क्योंकि वो फिर फाइन पाउडर हो जाएगा। अगर हम हाथ से क्रश करेंगे तो वो बीच बीच में आपको क्रिस्पीनेस मिलेगा। अब इसमें जा रहा है गेहूं का आटा जो हमने भून के रखा था, फिर शुगर अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो फिर आप डाल सकते हैं एक्स्ट्रा शुगर, लेकिन हमने 3/4 कप ही इस्तेमाल किए हैं। फिर इलायची पाउडर, अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। और मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला हो क्योंकि उतना ही था घर पे, इसीलिए ऊपर से स्मेल के लिए देसी घी डाला। इसके अभी आप लड्डू बनाएं। तो ये लड्डू तैयार है, ट्रस्ट मी गाइस, इसे बना के ज़रूर देखिएगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये पोहे के बने हुए हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस रेसिपी विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। Bye-bye.